एल्विश की नई कार देखी क्या? जनाब ने मर्सिडीज की जी वैगन खरीदी है, कीमत 3 करोड़ रुपए। बताओ, ना जेल जाने का दुख, ना सांप का जहर सप्लाई करने का गम। जेल से निकलते ही वापस वही रॉब, मानो कुछ हुआ ही नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी गार्गी और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। अभी कुछ ही दिन पहले एल्विश के पापा ने एक इंटरव्यू में सीना ठोक कर कहा था कि हमारी गाड़ियां लोन पर है और जो फ्लैट है उसका भी किराया जा रहा है। यही नहीं, एल्विश के पिता ने तो ये भी कह दिया था कि एल्विश के वीडियो में जो गाड़ियां दिखती हैं वो सब गाड़ियां भाड़े पर लाई हुई होती हैं। इनमें से एक भी गाड़ी एल्विश की अपनी नहीं है। चलो, पिताजी की सब बातें मान लिया तो अब ये क्या है? बड़ा ही लंबा हाथ मारा है। जेल से बाहर आते ही 3 करोड़ की मर्सिडीज की जी वैगन ले ली। लगता है जेल के अंदर से बैठकर वीडियो बना रहे थे, तभी तो यूट्यूब ने इस हार्ड वर्क के लिए करोड़ों दे दिए। क्या इतने पैसे मिल गए कि 3 करोड़ की गाड़ी खरीद ली? बिग बॉस OTT 2 विनर एल्विश यादव किसी ना किसी वजह से हमेशा ही चर्चा में रहते हैं। एल्विश अभी कुछ दिनों पहले भी बड़े विवादों में फंस चुके हैं। एल्विश पर सांपों का जहर सप्लाई करने का आरोप लगा था, जिसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। लेकिन जेल से बाहर आते ही कुछ दिन बाद ही एल्विश ने एक लग्जरी और काफी महंगी कार ले ली है। अब क्या ये भी रेंट पर है जिसको वो वीडियो में दिखाना चाहते हैं? वैसे एल्विश यादव यूट्यूब की दुनिया की काफी फेमस सितारे हैं। वो अपने फनी और मजेदार कंटेंट की वजह से काफी पसंद भी किए जाते हैं। एल्विश को गाड़ियों का काफी शौक है, ऐसे में अब तक कई कारें खरीद चुके हैं। अब एल्विश के कार कलेक्शन में एक और कार ऐड हो चुकी है। उन्होंने अपने ब्लॉग में कार की झलक भी दिखाई है। अपने ब्लॉग में एल्विश ने बताया कि वो इस कार को 2020 में ही खरीदना चाहते थे, लेकिन ये मॉडल डिसकंटिन्यू हो गया था। लेकिन उनका ये कार लेने का सपना था जो अब जाकर पूरा हुआ है। ब्लॉग में देखने को मिला है कि एल्विश इस कार को लेकर अपनी मम्मी के पास जाते हैं और बताते हैं कि उन्होंने ये कार खरीद ली है। अब इस पर इनके पापा क्या कहेंगे? क्या इसमें भी वो कहेंगे कि ये सब ड्रामा है, फरेब है, उधार का है? भाई, कार तो मम्मी जी को पसंद आई, पर पापा को पसंद आई कि नहीं? पापा जी भी ड्राइव के मजे लूट कर आए, लेकिन ज्यादा कुछ बोले नहीं। 3 करोड़ की कार में बैठने के बाद अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। फिर ये तो बेचारे सीधे साधे इंसान हैं, जिनको आज भी लगता है कि बेटा उधारी की गाड़ी में घूमता है। अब इस कार को सच में एल्विश ने खरीदा है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन उनके फैंस उनकी इस अचीवमेंट से काफी खुश हैं। पर सवाल अब भी यही है कि जहां उनके पिता बार बार बोल रहे हैं कि सब कुछ एल्विश ने किराए पर लिया हुआ है और मकान भी खुद वो बना रहे हैं, तो अब ये क्या है? किराए वाली कार जो सिर्फ वीडियो बनाने के लिए ही सही 3 करोड़ रुपए में खरीदी गई है? आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करें श्रेष्ठ भारत को।